मित्रों, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, वर्ष 2023 में सावन का पहला सोमवार कब है, जानिए। सही दिन व तारीख क्या है, पूजा करने की विधि क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस बार सावन 2 माह का होने वाला है। इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का अलग ही महत्व होता है। इस माह में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उन पर भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां यदि सावन सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस साल सावन में 8 सोमवार पड़ेंगे। वहीं पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। अब पूजा करने की पूजन सामग्री को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए फल, फूल, पंचमेवा, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, पूजा के लिए बर्तन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, मंदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन और भगवान शिव माता पार्वती की श्रृंगार की समस्त सामग्री चढ़ाएं। मित्रों, अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। मित्रों, सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। इसके बाद पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी और शक्कर का भोग लगाएं। अंत में धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की आरती करें और पूरे दिन फलाहार रहकर शिव जी का स्मरण करें।